Okay, today we will start a new ADT in this course, and this is the first non-linear ADT that we are going to cover. So far we have only covered the linear ADTs. That means that when moving from one element to another element in a linear ADT, we have only one path, right? Just like our path linked list hai, to uske andar singly linked list hai, doubly linked list hai, uske andar hum log एक डायरेक्शन में सिर्फ हमारे पास एक चॉइस होती है कि एक नोड पे है उससे लिंक या नेक्स्ट के थ्रू नेक्स्ट नोड पे चले जाएंगे, और इसी तरह हमारे पास जो है अगर एरे है तो उसके अंदर हम लोग इंडेक्स को प्लस प्लस करेंगे तो नेक्स्ट उस पर चले जाएंगे. तो वी हैव ओनली वन डायरेक्शन टू गो फॉरवर्ड एंड ओनली वन डायरेक्शन टू कम बैकवर्ड इफ़ देयर इज लाइक हो सकता है बैकवर्ड के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन हो ही ना, लेकिन लीनियर एडिटीज में ये होता है कि सिर्फ हम लोग एक डायरेक्शन में मूव करते हैं. जो पाथ होता है वो हमारे पास प्रिडिक्टेबल होता है, आइडेंटिफाइड होता है कि हम लोग इस डायरेक्शन में जो है वो जाएंगे, और एक ही डायरेक्शन होती है. जो ट्रीज हैं ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के तौर पे यूज़ होते हैं. बहुत सी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स के को सॉल्व करने के लिए हम लोग ट्रीज़ को यूज़ करते हैं. ट्रीज़ के अंदर होता यह है कि हमारे पास मूव करने की डायरेक्शंस होती हैं वो हमारे पास एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है. इस वजह से हम लोग उसे नॉन लीनियर कहते हैं. जब एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में शुरू करते हैं, जैसा लिस्ट में अगर हम लोग ट्रवर्स करना शुरू करें तो वी वुड हैव ओनली वन पाथ फॉर ट्रवर्सल, ना एक ही हमारे पास जो है वो सीक्वेंस में हमारे पास वैल्यूज मिलेंगी. लेकिन ट्रीज जो होते हैं इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल पाथ जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती है वैल्यूज को ट्रवर्स करने की. अच्छा, ट्रीज जो होते हैं वो हमारे पास जो है वो एक एज आई सेड के नॉन लीनियर हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर होता है. और ट्रीज को आप इस तरह कह सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास रियल लाइफ में भी ट्रीज होते हैं, उसके अंदर होता क्या हमारे पास के हमारे पास जिस तरह अगर ट्री है तो हमारे पास ग्राउंड से नीचे उसकी रूट्स होती हैं, ऊपर हमारे पास जो है उसकी ब्रांचेज होती हैं, ब्रांचेज की आगे फर्दर ब्रांचेज होती हैं, राइट, हमारे पास ब्रांचेज होती हैं, और आखिर में जो है वो हमारे पास लीव्स होते हैं, ठीक है. तो कंप्यूटर साइंस में भी हम लोग ट्रीज इसी यही एनालॉजी काइंड ऑफ यूज़ करते हैं कि हमारे पास एक रूट होगी और आगे उसकी ब्रांचेज होंगी, और ब्रांचेज कहाँ पर टर्मिनेट हो रही होंगी, लीव्स पर टर्मिनेट कर हो रही होंगी. लेकिन सिर्फ होता ही है कि कंप्यूटर साइंस में हम लोग जो ट्री होता है उसको हम लोग अपसाइड डाउन कर लेते हैं, मतलब रूट हमारे पास ऊपर चली जाती है और जो ब्रांचेज हैं वो हमारे पास जो है वो नीचे आ जाती हैं, ठीक है. तो इस तरह हमारे पास जो है वो ट्री इस तरह का होता है. इन जनरल अगर ट्री की बात करें तो हमारे पास रूट से हम लोग शुरू करते हैं और हमारे पास उसकी एनी नंबर ऑफ ब्रांचेज हो सकती हैं. हो सकता है कोई ब्रांच ना हो, सिर्फ हमारे पास रूट नोड एक ही हमारे पास नोड हो रूट लेवल पे, और ये भी हो सकता है एक ब्रांच हो, दो हो, तीन हो, चार हो, तो ये हमारे पास एनी नंबर ऑफ ब्रांचेस हो सकती हैं. लेकिन जब हम लोग बाइनरी ट्रीज की बात करते हैं तो बाइनरी ट्रीज के अंदर हमारे पास मैक्सिमम दो ब्रांचेज होंगी, ठीक है. तो अगर हम लोग रूट नोड से शुरू करते हैं तो या तो उसकी आगे कोई ब्रांच नहीं होगी, या एक ब्रांच हो सकती है, ठीक है, या हमारे पास दो ब्रांचेज होंगी, दो से ज़्यादा नहीं हो सकती. तो ये तीनों केसेस जो हैं ये हमारे पास बाइनरी ट्री के अंदर होते हैं कि हमारे पास जो है वो या तो एक नोड के हमारे पास कोई आगे पाथ नहीं होगा, या एक पाथ होगा डाउनवर्ड उससे, या फिर हमारे पास दो पाथ होंगे. तो ये हमारे पास बाइनरी ट्री के अंदर इस तरह होता है. और फिर इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी होती है कि अगर हमारे पास कोई एक नोड है उससे आगे और नोड्स हमारे पास क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, मतलब उसके चिल्ड्रन हैं हमारे पास, तो इसको हम लोग जो है वो नॉन लीफ नोड कहेंगे. लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी नोड है जिसके आगे हमारे पास कोई चिल्ड्रन नहीं है तो इसको हम लोग लीफ नोड कहेंगे, ठीक है. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीफ नोड कहेंगे. जो ट्रीज होते हैं उसके अंदर हमारे पास एक तो ये बाइनरी ट्री के अंदर हम लोगों ने ये देख लिया कि हमारे पास हर नोड की जो है वो आगे से 0, 1 या 2 हमारे पास चिल्ड्रन होंगे. और एक और जो ट्री की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि हमारे पास एक नोड से दूसरी नोड तक या रूट नोड से किसी भी नोड तक हमारे पास यूनिक पाथ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है. जिस तरह अगर हम लोग ने डी तक पहुंचना है तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए से बी, बी से डी, एक पाथ ये बन रहा है ए बी डी, और दूसरा पाथ डायरेक्टली ए से डी तक जा रहे हैं ए एंड डी. तो ये दो पाथ हैं. तो अगर हमारे पास रूट नोड से किसी भी नोड तक दो पाथ एग्जिस्ट करते हों या एक से ज़्यादा पाथ्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो हमारे पास ट्री नहीं होगा, किसी भी किस्म का ट्री नहीं होगा, ना वो बाइनरी ट्री होगा ना कोई और ट्री होगा, ठीक है. तो
तो ये हम लोगों ने ख्याल रखना है कि ट्री की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि रूट नोड से किसी भी नोड तक हमारे पास जो है वो यूनिक पाथ एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आप इसको निकाल दें, ए डी वाले पाथ को निकाल दें, तब आपके पास ये ट्री बन जाएगा, क्योंकि फिर ए बी डी, डी तक एक ही पाथ होगा, सी तक एक ही पाथ होगा, बी तक एक ही पाथ होगा। तो ट्री के अंदर ये होता है कि हमारे पास रूट नोड से किसी भी नोड तक हमारे पास एक यूनिक पाथ होगा, एक से ज़्यादा पाथ नहीं हो सकते। अच्छा, फिर इससे एक और चीज़ भी हमें पता लगती है, अगर मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट करेंगे ना, तो मल्टीपल पाथ सिर्फ उस वक्त एग्जिस्ट करेंगे जब एक नोड के हमारे पास एक से ज़्यादा पेरेंट नोड्स होंगी। जिस तरह यहाँ पे डी है, तो डी के दो पेरेंट नोड हैं, बी और ए। तो अगर हमारे पास किसी भी नोड की एक से ज़्यादा पेरेंट नोड्स हो जाती हैं, तो वो हमारे पास फिर ट्री नहीं रहता, ठीक है, इट वुड बिकम अ ग्राफ, वी कैन कॉल इट अ ग्राफ बट इट वुड नॉट रिमेन अ ट्री। तो आपने ये जो चीज़ है इसका ख्याल रखना है कि हमारे पास हर नोड की जो है वो हमारे पास एक से ज़्यादा पेरेंट नोड्स ना हो। सिर्फ रूट नोड है जिसकी हमारे पास कोई पेरेंट नोड नहीं होगी, उसके अलावा जो है वो जितनी भी नोड्स हैं उसकी एक्जैक्टली हमारे पास एक पेरेंट नोड होगी। अच्छा, इसकी जो ट्री की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये कि एक रिकर्सिव स्ट्रक्चर है। रिकर्सिव स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि अगर हम लोगों के पास एक ट्री है, ठीक है, ये लेट्स से हमारे पास एक ट्री है, और इसके अंदर अगर हम लोग इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारे पास एक ट्री है, ठीक है, इस पर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। अब लेट्स से अगर हम लोग रूट नोड से शुरू करते हैं और किसी वजह से इसके लेफ्ट साइड पे आते हैं, नाउ दिस इज द लेफ्ट साइड, ये उसकी लेफ्ट साइड है रूट नोड की और ये उसकी राइट साइड है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर हम लोग जब स्क्रीन के हिसाब से लेफ्ट और राइट देख रहे होते हैं, ट्री के हिसाब से लेफ्ट और राइट नहीं देख रहे होते। तो हम लोगों के पास अगर उसके लेफ्ट साइड पर हम लोग आ जाते हैं, तो अब लेफ्ट साइड पे अगर हम लोग कंसिडर करना चाहें तो ये पूरे का पूरा हमारे पास एक सब ट्री है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि ट्री के जो सब स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी हमारे पास ट्रीज होते हैं। तो ये हमारे पास रिकर्सिव सॉल्यूशंस जब हम लोग डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ हमारे पास पर्टिकुलरली हेल्पफुल होती है कि हम लोग जो है वो एक मेन ट्री से शुरू करते हैं, फिर उसके लेफ्ट या राइट साइड पर चले जाते हैं, उसके लेफ्ट साइड पर जाते हैं तो वो भी हमारे पास सब ट्री होगा, उसे भी एज ए ट्री ट्रीट करेंगे। अगर उसके राइट साइड पे चले जाते हैं तो वो भी हमारे पास ट्री होगा। तो ट्री का जो हमारे पास सब स्ट्रक्चर है, कोई उसका सब सेट है, वो भी हमारे पास जो है वो ट्री ही होगा, सब स्ट्रक्चर, तो उसको हम लोग सब ट्री कहेंगे। अच्छा, ट्री को जो है वो हम लोग लेवल्स के अंदर जो है वो हम लोग उसे कंसीडर कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास एक ए जो है वो रूट नोड है, ठीक है, ये लेवल ज़ीरो पे है, तो रूट नोड हमेशा जो है वो हमारे पास लेवल ज़ीरो पे होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद लेवल वन पे हमारे पास जो है वो जो रूट के चिल्ड्रन होंगे वो लेवल वन पे होंगे, बी और सी के आगे जो चिल्ड्रन होंगे वो लेवल टू के होंगे। तो जैसे जैसे हम लोग डाउनवर्ड्स आते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे पास लेवल जो है बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितने लेवल्स हैं हमारे पास, लेवल ज़ीरो से लेकर लेवल थ्री तक हमारे पास 4 लेवल्स हैं। तो हम लोग ये कहेंगे कि इस ट्री की जो हाइट है वो हमारे पास 4 है, ठीक है, हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्री इज 4। तो लेवल्स जो होते हैं वो हमारे पास 0 से लेके, अगर हम लोग h कहें कि हाइट h है हमारे पास, तो लेवल्स जो हैं वो कहाँ से होंगे, हमारे पास 0 से लेके h माइनस 1 तक हमारे पास जो है वो लेवल्स होंगे, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास एक नोड के जो सक्सेसर नोड्स होंगी, मतलब उससे डाउनवर्ड्स जो नोड्स होंगी, उन्हें हम लोग उस नोड के चिल्ड्रन कहेंगे। जिस तरह e के चिल्ड्रन कौन से हैं, ए बी सी एच जी डी ई एफ डी, मतलब ई के अलावा जितने भी हमारे पास नोड्स हैं वो ई, सारे के सारे हमारे पास ई के चिल्ड्रन हैं, ठीक है, दीज आर ऑल चिल्ड्रंस ऑफ ई। इसी तरह ए के चिल्ड्रन कौन से होंगे, ए को अगर देखें तो हमारे पास ये बी सी एच जी जे, ये सारे ए के जो है वो हमारे पास चिल्ड्रन हैं, ठीक है। इनफैक्ट ज़्यादा बेहतर होगा कि इसको हम लोग चिल्ड्रन की बजाय डिसेंडेंट नोड्स कहते हैं, डिसेंडेंट नोड्स, ठीक है। तो वैसे तो मतलब चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास जो है हम लोग कह सकते हैं उसको, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम लोग जितनी भी हमारे पास सब ट्री में जितनी भी नोड्स हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर, उसे हम लोग डिसेंडेंट नोड्स कहेंगे। और जो इमीडिएट सक्सेसर नोड्स हैं वो हमारे पास चिल्ड्रन होंगे। जिस तरह E का हम लोग कहें तो लेफ्ट चाइल्ड A है और राइट चाइल्ड हमारे पास इसका F है, ठीक है। तो इमीडिएट जो डिसेंडेंट्स हैं उनको हम लोग चिल्ड्रन कह देते हैं, और बाकी जितने भी हमारे पास डाउनवर्ड्स जितने भी नोड्स हैं वो उनको हम लोग डिसेंडेंट नोड्स कह देंगे। किसी भी नोड के
कि जो पेरेंट नोट है, जो प्रीडिसेसर नोट है, उसे हम लोग जो है वो पेरेंट नोट कहेंगे। जिस तरह ए का पेरेंट ई है, जी का पेरेंट ए है, जे का पेरेंट जी है, तो इस तरह हमारे पास जो है वो किसी भी नोट की जो प्रीडिसेसर नोट है उसको हम लोग पेरेंट नोट कहेंगे। जो हमारे पास ट्री का जो स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग रूट भी कहते हैं, उसका हमारे पास कोई पेरेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो नोट ई है, इसकी हमारे पास कोई पेरेंट नोट नहीं होगी। और जिस नोट का हमारे पास कोई चाइल्ड नहीं होगा, उससे हम लोग लीफ नोट कहेंगे। जिस तरह यहाँ पे अगर हम लोग लीफ नोट्स को देखें तो सी एच जे डी आई, ये हमारे पास पांच लीफ नोट्स हैं इस पर्टिकुलर ट्री के अंदर। तो एक मतलब फिर हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी एक नोट से हम लोग शुरू करें तो उसके जो सक्सेसर नोट्स हैं उनको हम लोग चिल्ड्रन कहेंगे, जो प्रीडिसेसर नोट्स हैं उसको हम लोग पेरेंट कहेंगे, जो इमीडिएट प्रीडिसेसर है उसको पेरेंट कहेंगे, और जो किसी भी लेवल पे प्रीडिसेसर है, मतलब जिस तरह जे से ऊपर जी है, जी से ऊपर ए है, ए से ऊपर ई है, तो जे के जो हमारे पास एंसेस्टर्स हैं उनमें जी ए ई ये सारी नोट्स आ जाएंगे, तो इनको हम लोग एंसेस्टर नोट्स कहेंगे। ठीक है। अच्छा, लेवल और हाइट का हमें पता लग गया कि हमारे पास जो है वो एक लेवल ज़ीरो से हम लोग रूट नोट से शुरू करते हैं, और फिर हमारे पास जो है वो जैसे जैसे डाउनवर्ड्स आते जाते हैं, लेवल्स बढ़ते जाते हैं, और जितने हमारे पास लेवल्स होते हैं वो हमारे पास एक एक नोट के अंदर जितने हमारे पास लेवल्स होते हैं वो हमारे पास उस एक ट्री के अंदर जितने लेवल्स होते हैं वो उस ट्री की हमारे पास हाइट हो जाती है। अगर हम लोग देखें एक लेवल पे मैक्सिमम कितनी नोट्स हो सकती हैं, तो रूट नोट से शुरू करेंगे तो हमारे पास लेवल ज़ीरो पे 2^0 नोट्स होंगी। 2^0=1, तो हमारे पास सिर्फ एक नोट हो सकती है रूट लेवल पे, ज़ीरो लेवल पे। अच्छा, अब रूट के मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं? दो। ठीक है, तो एक से हमारे पास दो हो जाएंगे, 1 × 2, 2, तो ये हमारे पास 2^1, हमारे पास लेवल वन पे जो है वो 2^1 नोट्स होंगे। इससे फिर अगर हम लोग डाउनवर्ड्स आएँ तो इन दो के आगे हमारे पास कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं? 2 × 2, 4। ठीक है, तो हमारे पास इस लेवल पे, लेवल टू के ऊपर कितने चिल्ड्रन होंगे? मैक्सिमम हमारे पास 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, और फिर इससे आगे हैं तो हर 4 का आगे हर एक नोड के दो दो चिल्ड्रन हो, तो फिर हमारे पास इससे नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास 2^3 जो है वो हमारे पास चिल्ड्रन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास किसी भी एक लेवल के ऊपर, लेट से अगर हमारे पास लेवल एन है या लेवल एल है, तो लेवल एल के ऊपर जो है वो हमारे पास एटमोस्ट 2^L हमारे पास जो है वो नोड्स हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर लेवल 5 की बात करें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो लेवल 5 पे मैक्सिमम कितनी नोड्स हो सकती हैं हमारे पास? 2^5, 32 हमारे पास नोड्स जो है वो हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग इसकी ट्री की मिनिमम मैक्सिमम हाइट की तरफ भी आते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ट्री की हाइट कितनी है। अभी हम लोग बाइनरी सर्च ट्री की बात करेंगे, तो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमारे पास ये होता है कि जितनी ट्री की हाइट कम होगी, उतने हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास कम हो जाएगी। ये हम लोगों ने बात कर ली कि हमारे पास जो है वो लेवल्स को हम लोग लेवल ज़ीरो से जो है वो शुरू करेंगे, और नोट्स जो है वो हमारे पास लेवल्स के अंदर होंगे इस तरह। और फिर ये हम लोग कहते हैं कि लेवल ऑफ अ नोड क्या होगा, कि उसकी हमारे पास रूट नोड से उस नोड तक हमारे पास कितने पाथ्स हैं, कितने एजेस इन्वॉल्व हैं, वो हमारे पास उस पर्टिकुलर नोड की का लेवल या उसकी डेप्थ हो जाएगी। जिस तरह अगर हम लोग बी को देखें, तो अगर हम लोग रूट नोड से बी तक आएँ तो एक एज हमारे पास इन्वॉल्व है, तो इसकी हमारे पास डेप्थ या इसका लेवल कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर हम लोग आई पे, आई की बात करें, आई रूट तक, रूट से आई तक पहुँचने के लिए कितने एजेस इन्वॉल्व होंगे? 1, 2, 3, तो इसकी हमारे पास डेप्थ कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इसको एक पर्टिकुलर नोड की डेप्थ क्या होती है कि रूट से उस नोड तक पहुंचने के लिए हमें कितने एजेस जो हैं वो पाथ लेंथ क्या है, कितनी हमारे पास जो है वो बीच में नोड्स इन्वॉल्व होंगी, तो वो हमारे पास उस नोड की डेप्थ हो जाएगी। अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फुल ट्री क्या होता है। फुल ट्री में ये होता है कि हमारे पास हर नोड के 2 चिल्ड्रन होंगे, एक्सेप्ट फॉर लीफ नोट्स। ठीक है, लीफ नोट के अलावा हर नोट के एक्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होंगे। ये नहीं होगा कि किसी का 1 हो, किसी का 2 हो, एक्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होंगे, और सारी की सारी लीफ नोट्स जो है वो हमारे पास एक लेवल पे होंगी। इसका क्या मतलब है कि जिस तरह ये हमारे पास एक ट्री है, बाय द वे ये भी हमारे पास एक फुल ट्री है जिसके अंदर सिर्फ एक नोट हो। अब हमारे पास इसके 2 चिल्ड्रन है, ठीक है, फिर इसके भी हमारे पास 2 चिल्ड्रन है, तो अब यहाँ पे लीफ नोड के अलावा अगर आप देखें तो हर नोड के हमारे पास 2 चिल्ड्रन है। ये लीफ नोड है,
इसका हमारे पास कोई चाइल्ड नहीं है, ये लीफ नोड है, ये लीफ नोड है, इसके हमारे पास कोई चिल्ड्रन नहीं है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी नोड्स हैं उनके हमारे पास दो चिल्ड्रन है, ये भी हमारे पास जो नोड है इसके भी दो चिल्ड्रन है, इसके भी दो चिल्ड्रन है, ठीक है। तो लीफ नोड के अलावा बाकी सारे नोड्स हमारे पास दो चिल्ड्रन है, लेकिन दिस इज नॉट अ फुल ट्री, नॉट अ फुल ट्री। व्हाई इट इज नॉट अ फुल ट्री? बिकॉज ऑल द लीफ नोड्स आर नॉट एट द सेम लेवल। फुल ट्री के अंदर जो है वो सारी लीफ नोड्स का एक लेवल पे होना जरूरी है। यहाँ पे ये वाली जो लीफ नोड है ये हमारे पास लेवल वन पे है, और ये जो दो लीफ नोड्स हैं ये हमारे पास लेवल टू पे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये फुल ट्री नहीं है। अगर हम लोग एक फुल ट्री ड्रॉ करें, ये हमारे पास एक फुल ट्री है जिसके अंदर सिर्फ एक नोड है, ये हमारे पास एक फुल ट्री है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक नॉन लीफ नोड है, उसके दो ही चिल्ड्रन है, बाकी लीफ नोड्स दो हैं, दोनों एक ही लेवल पे हैं, तो ये एक फुल ट्री है, ये भी हमारे पास एक फुल ट्री है। व्हाई इज इट अ फुल ट्री? बिकॉज ऑल द लीफ नोड्स आर एट द सेम लेवल। यहाँ पे देखें सारी सारी की सारी लीफ नोड्स एक ही लेवल पे हैं, ठीक है। प्लस ऑल द नॉन लीफ नोड्स हैव एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन। तो आप यहाँ पे देखें कि आपके पास ये जो नॉन लीफ नोड्स हैं इनके एग्जैक्टली दो चिल्ड्रन हैं, ये भी नहीं है कि किसी का जीरो चाइल्ड हो, ये भी नहीं है कि किसी का वन चाइल्ड हो, एग्जैक्टली दो चिल्ड्रन जो है वो हमारे पास होना जरूरी है। तो फुल ट्री जो है वो हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज द फुल ट्री। अगर हमारे पास जी बेटे सर, ये फुल ट्री में जो सेकंड लेवल है इस पे अगर वन वन नोड हो और वन वन चिल्ड्रन हो तो सर ये फुल ट्री होगा इस तरह करके बेटे? जी सर नहीं बेटे, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो दो नोड्स हैं इनके हमारे पास जो है वो दो चिल्ड्रन नहीं है, तो हर नॉन लीफ नोड के दो चिल्ड्रन होना जरूरी है। सर पेरेंट ये जो फर्स्ट नोड है इसके इसका एक कोई चिल्ड्रन ना भी हो, आपने स्टार्टिंग में बताया, तो तब भी वो फुल ट्री होगा ना? तो ये पेरेंट के अलावा सभी पे कंडीशन अप्लाई करते हैं? नहीं नहीं, देखो इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये जो ये फुल ट्री है, ठीक है। ये क्यों फुल ट्री है? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक नोड है, वही लीफ नोड है, और फुल ट्री के अंदर ये होता है कि जो लीफ नोड होती है उसके हमारे पास कोई चिल्ड्रन नहीं होते, तो इसका हमारे पास कोई चाइल्ड नहीं है, और इसके अंदर कोई भी नॉन लीफ नोड नहीं है, विच इज फाइन, ओके, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास फुल ट्री नहीं है। सर ये जो आपने ये फुल ट्री बनाया है जी बेटे, सर ये जो आपने फुल ट्री बनाया है ना जी बेटे, सर आवाज आ रही है? जी बेटे आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। सर ये जो आपने फुल ट्री बनाया ना इसके नीचे सर अगर आप दो चाइल्ड बना दें तो और उससे नीचे हम ना बनाए तो वो भी फुल ट्री एग्जिस्ट करेगा क्योंकि वो जो दो चाइल्ड होंगे वो एज अ लीफ। हाँ ये भी फुल ट्री है, इस तरह कह रहे हैं आप, ये भी फुल ट्री है। जी सर, जी सर ये भी फुल ट्री है, ठीक है। फिर आगे जब भी आगे जाएंगे तो आगे मूव करते जाएंगे तो बस आपने ये रखना के याद रखना है कि हर नोड के हमारे पास हर नॉन लीफ नोड के दो चिल्ड्रन होंगे और सारी की सारी लीफ नोड्स एक ही लेवल पे होंगी, तो ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो फुल ट्रीज है, ठीक है बेटे? ठीक है सर। धीर आपको क्लियर है बेटे? यस सर। अच्छा तो ये हमारे पास जो है वो बाइनरी ट्रीज है, इन सारों के अंदर हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ नोड्स जो है वो हमारे पास दोनों में डिफरेंट है, खैर लेकिन इन एनी केस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये ए ट्री है ये हमारे पास 0, 1, 2, 3, तो 0 से लेकर 3 तक हमारे पास इसके अंदर टोटल लेवल्स कितने हो गए? 4, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास कितने लेवल्स हो गए? 5 लेवल्स हो गए। तो लेवल का हमें पता होना चाहिए, रूट का, डेप्थ का, इन चीज़ों का, पेरेंट का, चिल्ड्रन का, इनका हमें जो है वो पता होना चाहिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास किसी भी लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो सकती हैं।